पाकिस्तानी फ्लैग मैंने पहली दफ़ा देखा जिस शिप पे मैं आया हूँ उस पर। पाकिस्तान को बने हुए 3 महीने हुए थे, पहले इंडिया में तो सिवाय इंडियन फ्लैग के और कुछ तो नज़र नहीं आता था, यूनियन जैक भी गायब हो गया था। मर्चेंट थे हम लोग, एक स्टोर था डिपार्टमेंटल स्टोर जबलपुर में, जो हमारा जो स्टोर था उसके दोनों साइड के ऊपर 6 या 7.5 फीट लेंथ एंड 2.5 फीट विड्थ इस तरह से ग्लासेस थे। मेरे कज़िन ने तो उन्होंने जोश में आकर के एक तरफ पाकिस्तान का झंडा क्रिसेंट और दूसरी तरफ तिरंगा था, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और वहाँ पर जय हिंद लिखा हुआ था, लेकिन जब इनके तेवर देखे हमने तो पाकिस्तान का झंडा देख करके खून उतर आ गया उनकी आँखों में। ख़ासतौर पर उस वक्त हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी जब गांधी का मर्डर हुआ, 1 साल के बाद ही हुआ है, वो भी जनवरी में 1948। अखबारों में हमने इसकी तस्वीर देखी थी, तो हमने अपने लिए अपने वहाँ अमेरिका में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें कमरे में भी लगाया था, फिर यहाँ आकर जब मैंने उसकी तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसमें ज़रा सी एक खामी है, उसके अंदर चांद तारा जो बनाया हुआ था वो गलत था, उल्टा बना हुआ था, वो डूबता हुआ चांद बनाया गया था। वजह तो हमारे मोहसिन अली साहब ने ये हुकूमत को ये पॉइंट आउट किया कि देखिए इसमें गलती है, तो उन्होंने फिर उसको सही किया। 1947 में ही हमने पाकिस्तानी झंडा बना लिया था और मेरे कमरे में अपने वहाँ वो लगा हुआ था ये झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा तो उस ज़माने में नारा होता ही नहीं था वो मुसलमानों के लिए। लेकिन इकबाल का जो तराना सारे जहाँ से अच्छा वो तो हिंदुस्तान का तराना कहलाता, चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा, ये इकबाल का तराना है। और इसको बाद में कहा गया था कि इसको पाकिस्तान का कौमी तराना बनाया जाए, लेकिन नहीं पसंद किया गया वो कौमी तराना जो हमारा है, इसकी मौसीकी पहले तरतीब हुई है, अल्फाज बाद में बनाए गए हैं। ये एक मौसीकार थे मोहम्मद अली चागला, यहाँ के कराची के रहने वाले थे वो, तो उन्होंने ये तराने की धुन बनाई, वो धुन बनाकर उन्होंने हुकूमत को दी कि इस धुन के ऊपर आप किसी पाकिस्तान शायर से आप तराना लिखवा लें और इसमें आप देखें पाकिस्तान ज़मीन शायद बात पूरे तराने में उर्दू का एक लफ्ज़ है, बाकी सब अल्फाज फारसी के हैं। मुर्शिदाबाद में थे और 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे चढ़ाया, बिकॉज मुर्शिदाबाद तो 75% मुसलमान आबादी थी, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में आएगा। दूसरे दिन वो अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान ने उसको दे दिया, तो फिर हमें वहाँ से जाना पड़ा। फिर हम वहाँ पर वो जो बड़ी नदी है मेघना, उसको क्रॉस करके फिर राजशाही गए। झंडा पाकिस्तान का यही न्यू टाउन स्कूल में देखा, वहाँ झंडा लगाया था, बहुत खुशी हुई, सारी लड़कियों से नज़में पढ़वाई, पाकिस्तान हमारा, वो तो एक ऐसी खुशी थी कि कुछ ना पूछो, पाक सर ज़मीन शान। वो तो जब झंडा चढ़ाया था ना तो हम सबको गाना पड़ा था, बहुत ही दिल पर असर हुआ। न्यू टाउन स्कूल से शुरू किया था सफ़िया खान ने, यहाँ भी स्कूल में जब फर्स्ट डे होता है तो वही होता है। झंडा मैंने पहली दफ़ा टीवी के ऊपर देखा था, लियाकत अली साहब ने झंडे को असम्बली में पेश किया था, तो वो लहराते हुए हाथ में दिखाया था। ये हमारा डिपार्टमेंट का काम यही था ना, ये एडवर्टाइजिंग फिल्म एंड पब्लिकेशन, उसमें 4 सेक्शन थे, एक एडवर्टाइजिंग फिल्म, एक एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशन और एक डिस्ट्रीब्यूशन। झंडे के लिए एक हमने पंपलेट छापा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू, तो एक फ्लैग के ऊपर एक छोटा सा पंपलेट बनाया था जिसमें पूरी डिटेल दी हुई थी। डान में एक इश्तहार आया था इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, यानी 2 चौड़ा और 3 लंबा, 1/3 जो है
वो मिनॉरिटी के लिए, बाकी जो 2/3 जो है वो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है। उसके अंदर जो क्रेसेंट एंड स्टार है उसकी यूनिक पोजीशन होती है, मगर एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर कि जब इसको झंडा बन के लटकाते हैं तो एक तरफ विनिंग होता है, एक तरफ चांद जब डूबता है तो वो होता है, उसकी दो पोजीशन आती हैं। मुस्लिम लीग का झंडा तो खैर देखते रहते थे हम, पाकिस्तान का झंडा हमने ये सी पोर्ट पर देखा, हमने किमाड़ी पर पहली दफ़ा, भाई कौमी तराना हमें अच्छा नहीं लगा। वो उर्दू का कहाँ है, वो तो यानी सारा फारसी का है, इजाफतें। हमारे ख्याल में पाकिस्तान का कौमी तराना उससे बहुत अच्छा कहा जा सकता था। खुद सोनी धरती कितना खूबसूरत गीत है, और कौमी नज़में तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, ख़ासतौर से 1965 की जंग के ज़माने में, उसकी धुन बहुत अच्छी है। बहरहाल कौमी तराना है, उसके ऊपर उसकी इज्जत भी करते हैं, उस पर जज्बाती रद्द अमल भी होता है। फर्स्ट टाइम तो नहीं, काफ़ी दिनों के बाद नेशनल एंथम वॉज, बट बाय 48 के बाद माय फादर हैड गॉन एज एम्बेसडर टू इटली, एंड वी रिमेंबर एक होते थे अलवी साहब वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु कंस्ट्रक्टेड नेशनल एंथम का वो, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट टू अस एंड मेड अस लर्न एंड सिंग नेशनल एंथम, दैट्स व्हेन आई रिमेंबर दैट। आज़ादी वाले दिन लगाया होगा अपने घर पे, क्योंकि बहुत सारे झंडे मैंने और मेरे भाइयों ने लगाए थे, हमने बड़े बड़े झंडे भी बनाए थे जो घर के ऊपर लगाए थे। जब हम जाते थे अपने मुस्लिम लीग के फंक्शंस में, पाकिस्तान का झंडा नहीं होता था, मुस्लिम लीग का होता था, लेकिन उस पर बैनर लगा हुआ होता था लेके रहेंगे पाकिस्तान, बहुत गाते थे हम पाक सरज़मीन शाहबाद, क्योंकि जो जलसा होता था हम शुरू करते थे तो उसके साथ, फिर एंड करते थे उसके साथ। बस उन्हीं दिनों में जो नेशनल गार्ड की मूवमेंट थी, उन्हीं दिनों में हमने बहुत दफ़ा इतना गाया कि घर में भी गाते थे। और ये हालत होती थी कि जब कभी रेडियो पे कोई फंक्शन में ये होता था तो घर में उठ के खड़े हो जाते थे, और इतना सारे भाई बहनों और टेंशन में खड़े हो जाते थे, कौमी तराना बज रहा है। बाद में पिक्चर हाउसेस होती थी, लोग तो अब वीडियो देखते हैं, पिक्चर हाउस में पिक्चर देखने जाते थे तो कई लोग उठते नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इन सब लोगों से मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, लियाकत अली खान, क्योंकि मैं भी यूपी एरिस्टोक्रेसी का था, वो भी उसके थे, कि उन्होंने मुझे टेलीफोन किया लियाकत अली खान को, उनका समीन मियाँ तुम आ जाओ मुझे तुमसे काम है। मैं पहुंचा वहां पर तो उन्होंने एक खातून से मिलाया, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा तुम ये करो कि इन्हें पूरा टूर करवा दो दिल्ली का और नई दिल्ली का। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये खातून जो हैं वो लाइफ मैगज़ीन की फोटोग्राफ़र, तो बस फिर मैं उन खातून को फिरा रहा था। ऐसा एक आदमी शेरवानी बनाता था, कि एक मिनट में उससे देख गया, वो जो था शेरवानी के बजाय झंडा एक बना रहा था। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो वो उनका मैं पाकिस्तान का झंडा बना रहा हूँ। तो उसने मैंने उससे कहा, वो मार्गरेट बुर्क वाइट थी उसका नाम फोटोग्राफर, मैंने कहा कि तो तुम्हें कुछ फ़ोटो लेना है। फिर उसने मेरे ख्याल में कोई 8-10 उसके फ़ोटो लिए, मुझे इस आदमी ने बना रहा था, बस फिर मैंने उसे उसके होटल इम्पीरियल होटल में पहुँचा दिया। पहली बार कौमी तराना यहीं कराची में ही सुना था सर। तो मेरी सालगिरह पे तो मेरी वालदा नूरुस्सबा बेगम ये एक मशायरा रखती थी, उसमें हफीज़ भी आते थे खुद, उसमें फैज़ भी होते थे, तो मेरे ख्याल में तो मैंने अपने घर ही पे सुना होगा, यानी हफीज़ आलिंद्री से। ये जो लाहौर रेजोल्यूशन था ना, कायद मिल्लत इज़ लियाकत अली खान, ही वॉज़ द वन जो जिन्होंने पहला झंडा ये किया था। तो हमारी एक लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमने लहराया वो झंडा ऑन आर
दिस थिंग और गर्ल्स यू नो ऊपर चढ़ के हमने ये किया एज द यूथ ऑफ पाकिस्तान. और उस ज़माने में इस ज़माने की तरह नहीं था, बॉयज़ एंड गर्ल्स वी वर ऑल टुगेदर. देखा तो मैंने स्कूल के टाइम पे था व्हेन आई जॉइन द स्कूल दे यूज़ टू हैव द पाकिस्तान फ्लैग. आई वॉज जस्ट अ फाइव ईयर ओल्ड गर्ल. वी हैड एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती थी ना हमारी स्कूल की, तब हमने फर्स्ट टाइम हमें इन्होंने सिखाया. इट वॉज एन इंग्लिश स्कूल सेंट जोसेफ्स. तो इस वजह से इन्होंने कहा कि नो यू मस्ट नो द कौमी तराना. एक हमारे एक ये आते थे रेडियो पाकिस्तान से, इन्होंने हमें सिखाया पूरा हाउ टू यू नो द प्रॉपर तलफ्फुज. फिर गर्ल गाइड्स में जब उसी साल आई वॉज अबाउट 5 and a half या 6 ईयर्स ओल्ड, वहाँ भी प्रोग्राम्स जो किए अबाउट पाकिस्तान एंड आपका मुल्क पाकिस्तान, एंड फिर वो जो फ्लैग के लिए इन्होंने बताया हमें कि भाई फ्लैग पहले लहराया था किसने और किस किस्म का फ्लैग था और किसने कौमी तराना, वो चावला ही वॉज द मन यू नो जिसने कौमी तराना ये किया था, वो सब हिस्ट्री हमें बताया. बट वी वॉन्टेड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स. It was unfurled at the top of our house. That was the first time I saw it, when we had a flagpole hoisted and we asked why was the all the colors, and we were told white is for, I think, the minorities, and the green is for the Muslims, and the Chand Tara is the crescent of the Muslim world. So people used to come and kiss flags.